हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं? मज़े में नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, मज़े में हो जाइए। क्योंकि आपको बता दें हम कि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की ही मूवीज़ डेट आ चुकी है। मूवीज़ डेट मतलब कि उनकी जो मूवीज़ आने वाली हैं उनकी रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है और ट्रेंडिंग में चल रही है यूट्यूब पर। वो आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो वो आपकी गलती है यार, ट्रेंडिंग चेक किया करो, ये बहुत बड़ी बात है यार। वैसे सलमान खान की मूवी नेक्स्ट ईयर ईद पर आने वाली है और शाहरुख खान की मूवी नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे पर आने वाली है, यानी कि 25 जनवरी को आने वाली है। बहुत ही शानदार मूवी, एक तो सलमान खान की है टाइगर 3 और शाहरुख खान की है पठान, और थोड़ा सा टीज़र भी आया है। हालांकि अच्छा है टीज़र तो, देखने में देशभक्ति मूवी लग रही है तो देखने में मज़ा भी आएगा, साथ में जॉन अब्राहम भी हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तो हो गई नेक्स्ट ईयर की बात। इस साल की बात करें तो इस साल भी कई सारी मूवीज आने वाली है। कई सारी मूवीज में तो एक तो मूवी जस्ट आने ही वाली है, वो मूवी है अपनी राधे श्याम। आपको क्या लगता है ये मूवी क्या कुछ करने वाली है? क्योंकि इस बार ये मूवी कई सारी लैंग्वेज में एक साथ में रिलीज होने वाली है, तो हो सकता है कि बाहुबली प्रवास फिर से बाहुबली वाला रिकॉर्ड बना दे एक ना एक। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा अजय देवगन की रुद्रा सीरीज पर, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। कैसी रही सीरीज, कैसी रही मूवी, अच्छा मूवी तो है ही नहीं, मूवी तो हम गंगूबाई की बात कर रहे हैं, उसका भाई हम रिव्यू करेंगे बहुत ही जल्दी। पहले देख तो ले, हालांकि देखने में अभी टाइम है, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलता है हम जरूर देखकर उसका रिव्यू वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए हमारे इसी वीडियो को जिसमें हमने सिर्फ बात ही की है, ज़्यादा कुछ बताया कुछ नहीं है आपको। खत्म।